Hello, in this video I am going to explain you partial fraction use in the inverse Laplace transformation. यानी कि partial fraction का use किस तरह से करेंगे inverse Laplace transformation में. लेकिन partial fraction क्या है और उसका use कौन से sum में होगा वो मैं आपको explain करता हूँ. Suppose आपके पास एक sum है like 2s² - 4 upon s+1, s-2 and s-3. तो इस सब में आप देख सकते हो कि किसी भी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. There are so many factors s+1, s-2 and s-3. तो इस कंडीशन में आपको यूज करना है यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तीन केस होंगे. लेट मी डिफाइन केस वन. तो केस वन में क्या होगा कि सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको देखना है डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही फैक्टर है. लाइक हियर इट इज s+1 s-2. सब टर्म्स अलग अलग है खुद से. तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा a अपॉन s+1. यानी कि हम इस टर्म को डिवाइड कर देंगे a अपॉन s+1 प्लस ए अपॉन s-2 प्लस s-3. अल्फाबेट्स भी चेंज कर देंगे. सो ये सिंपल केस वन. लेकिन केस टू में कुछ चेंजेस है. सपोज यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास s+1² है. तो इस कंडीशन में कुछ इस तरह से करना होगा. a अपॉन s+1 एक सिंगल टर्म आपको रखनी है एज वेल एज प्लस करके b अपॉन s+1² दैट मींस s+1² तो है ही, लेकिन यहाँ पे s+1 भी इसका यूज करना है. सपोज s+1³ है, देयरफॉर 1 2 एंड 3 इस तरह से थ्री टर्म्स होंगी एंड रेस्ट ऑफ विल बी सेम. और केस 3 इट इज लाइक सपोज यहाँ पे आई हैव ओके s² + 2s + 3 मैंने कुछ सपोज किया है. आई डोंट नो व्हाट इज इट. तो इस तरह के आंसर में आपको क्या करना है कि ये रिपीटेड नहीं है. ये रिपीटेड, लेट मी राइट हियर, इट इज नॉन रिपीटिंग. फर्स्ट केस जो है वो नॉन रिपीटिंग है. सेकंड केस जो है वो रिपीटिंग है. दैट मींस दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड. Whereas, थर्ड केस जो है मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इट इज अगेन नॉन रिपीटेड. सो नॉन रिपीटेड में आपको इस तरह के इक्वेशन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से रखना है. s+b अपॉन वॉट एवर इट इज s² + 2s + 3. सो ये तीन तरह के केस आपको सम्स में देखने को मिलेंगे और इसका यूज करके हम पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करेंगे और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे. सो इस तरह के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल. सो नाउ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक एग्जांपल है 2s² - 4 अपॉन s+1 s-2 s-3. तो केस के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में. सो लेट अस टेक हियर. आपको न्यूमरेटर में क्या है वो अभी नहीं देखना है. सिंपली यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है. दैट मींस s+1 s-2 एंड s+3. देयरफॉर a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s-2 प्लस c अपॉन s-3. सो मैंने केस वन यहाँ पे अप्लाई किया है बिकॉज यहाँ पे केस टू और थ्री के लिए देर आर नो रिपीटिंग फैक्टर्स एज वेल एज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है. सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. नाउ सिंपली आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है. दैट मींस आपको यहाँ पे हियर यू हैव टू राइट s-2. ओके इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? ए के नीचे s+1 है एंड s-2 और s-3 प्रेजेंट नहीं है. सो मुझे यहाँ पे s-2 एंड s-3 लिखना है. सेम वे s-2 के नीचे s+1 एंड s-3 एंड यहाँ पे s+1
एंड एस माइनस टू। ओके, सो जैसे ही हम ये लिख देते हैं सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, ए एस माइनस टू एस माइनस थ्री प्लस बी एस प्लस वन एस माइनस थ्री प्लस सी एस प्लस वन एंड एस माइनस टू। डिनोमिनेटर में तीनों का मल्टीप्लीकेशन रखना है, दैट इज एस प्लस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री। ओके, यहां पे सिंपल टू एस स्क्वायर माइनस फोर एंड एस प्लस वन एस माइनस टू एंड एस माइनस थ्री। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, यू कैन इजिली कैंसल्ड एंड रिमेनिंग पार्ट आपको ये दिख रहा है। सो अब आपको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है बिफोर इनवर्स लाप्लास फाइंड करेंगे। सो ए बी एंड सी की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देयर आर टू मेथड्स, मैं दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड इज सिंपली आप आपको देखना है कि वैल्यू क्या है, एस प्लस वन माइनस टू एंड थ्री। सो सिंपली आपको एस की वैल्यू पुट अप करनी है वन बाय वन। अगर आप एस की वैल्यू पुट अप करते हो माइनस वन टू एंड थ्री, यहां पे आपको तीन वैल्यू पुट अप करनी है बिकॉज यहाँ पे प्लस वन है, देयरफॉर यू हैव टू पुट माइनस वन, माइनस टू है देयरफॉर प्लस टू एंड माइनस थ्री है तो प्लस थ्री। अगर ये आप पुट अप करते हो ये इक्वेशंस में तो आपको क्या मिलेगा, लाइक रिजल्ट मैं आपको सिर्फ ए के लिए एक्सप्लेन करूंगा, टू और थ्री आपको खुद फाइंड करना है। सो जैसे ही मैं माइनस वन पुट अप करता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने माइनस वन पुट अप किया, सो इट विल बी लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं माइनस वन रखूंगा, दिस पार्ट विल बी जीरो, सेम वे दिस पार्ट विल बी जीरो और यहाँ पे टू इंटू माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर। सो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, इट इज लाइक टू माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, दिस माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस, देयरफॉर 12 ए एंड माइनस टू। अब ए की वैल्यू आपको मिलेगी, इट इज माइनस सिक्स। लेट मी वेरीफाई हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी इट इज वन अपॉन सिक्स, आई मेड मिस्टेक, इट इज ए इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन सिक्स। ओके सॉरी फॉर दैट वन। अब इसी तरह से टू एंड थ्री जब आप इक्वेशन में पुट अप करोगे तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से मिलेगी, बी इक्वल्स टू लाइक माइनस फोर अपॉन थ्री एंड सी इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू। तो ये तीनों वैल्यू को अब आपको पुट अप करना है इस इक्वेशन में, सॉरी आई मीन टू से इस मेन इक्वेशन में। सो सिंपली अब आप वैल्यू पुट अप करोगे, सो लेट अस सी व्हाट वी गेट। ओके, हियर देयर इज नो स्पेस, सो देयरफॉर आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सो यहां पे आपको वैल्यू पुट अप करनी है ए की, दैट इज आई हैव टू पुट अप द वैल्यू माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स, इट इज एंड वन अपॉन एस प्लस वन। ओके, इस पार्ट को नहीं काउंट करना है, डोंट काउंट दिस पार्ट, सिंपली यू हैव टू राइट द क्वेश्चन हियर। बी की वैल्यू है माइनस फोर अपॉन थ्री, सो माइनस this plus is going to be the minus, minus 4 upon 3 and it is s minus 2 and here it is plus 7 upon 2 and s minus 3। okay, इस part को अब आपको inverse Laplace यहाँ पे apply करना है। so inverse Laplace आपको apply करना है किस तरह से, इस part पे inverse Laplace like inverse of Laplace 2s square minus 4 upon s plus 1, s minus 2, s minus 3। इस पे इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे, देयरफॉर यहां पे हर टर्म पे हम इनवर्स लाप्लास ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे। सो आई हैव नॉट रिटन हियर, सो अगेन आई विल राइट माइनस 1 अपॉन 6 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 1 माइनस 4 अपॉन 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s minus 2 एंड 7 upon 2 Laplace inverse of 1 upon s minus 3। Laplace inverse of 1 upon s plus 1 की formula मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताई थी and for your convenience I am putting the link in the description of this video and from that you can get
the sheet of the full formulas of Laplace inverse as well as the Laplace transformation. So minus 1 upon 6 Laplace inverse of 1 upon s plus 1. Okay, यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है दैट मींस आपको यहाँ पे e रेस टू माइनस टी पुट अप करना है. वन है देयरफॉर वन इनटू टी इट इज टी. नेक्स्ट इज माइनस, यहाँ पे माइनस है देयरफॉर यू हैव टू पुट अप प्लस. सो फोर अपॉन थ्री ई रेस टू टू टी एंड सेवन अपॉन टू, सेवन अपॉन टू ई रेस टू थ्री टी. So as you can see कि इस लाप्लास इनवर्स हमने फाइंड किया यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें थर्ड केस को देख लेंगे एंड इट विल बी बिट इजी एंड योर कंफ्यूजन विल बी गॉन. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इट इज 5s plus 3 s square plus 2s plus 5 s minus 1. तो इस एग्जांपल में हम केस 3 का यूज करेंगे. सो फर्स्ट एस माइनस वन है सो सिंपली आपको पार्शियल फ्रैक्शन रखना है ए अपॉन एस माइनस वन प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव. यानी कि यहाँ पे हमें केस थ्री अप्लाई करना है देयरफॉर हम बी एस प्लस सी लेंगे. अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली आपको एलसीएम लेना है देयरफॉर टेक एलसीएम. यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव एंड यहाँ पे एस माइनस वन. सो सिंपली यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव एंड प्लस बी एस प्लस फाइव में मैं बी एस को एस माइनस वन एंड सी को एस माइनस वन सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो नाउ डिनोमिनेटर में रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ, डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड देन बोथ विल बी कैंसल आउट. इससे पहले के एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नाउ अब ए बी सी की वैल्यू इस टाइप के सम में कुछ अलग तरह से आपको लेनी है. उसको बोलेंगे हम इक्वेटिंग ऑफ पावर्स. इक्वेटिंग ऑफ पावर्स ऑफ एस, यानी कि एस के पावर्स को इक्वेट करना है. अब वो किस तरह से करेंगे? सो सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है ए को. So here get a square plus 2as plus 5a, then b square minus b plus cs minus c. अब इस सम में आपको फर्स्ट s square कॉमन लेना है, therefore s square कॉमन लेंगे. So this and this term a plus b. अब आपको s कॉमन लेना है, therefore s. So there is 2a plus 5a simply. Sorry, 5a is not there. 2a and plus c. I think I'm right. Okay. Next one, आपके पास रह जाएगी term 5a minus b minus c. Okay, it is b into bs into 1, it is bs. Okay, so here I will take माइनस बी. एस कॉमन निकालेंगे सो फर्स्ट टर्म इज टू ए, नेक्स्ट इज माइनस बी एंड थर्ड वन इज प्लस सी. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस. अब आप देख सकते हो रिमेनिंग टर्म्स आर 5a एंड माइनस सी. सो सिंपली आपको 5a एंड माइनस सी लिखना है. सो मैंने एस के पावर के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड हियर इट इज 5s प्लस 3. अब एस स्क्वायर का पावर यहाँ पे नहीं है देयरफॉर आपको एक जीरो स्क्वायर कंसिडर कर लेना है. अब इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे देयरफॉर एस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर. लेट मी कैंसल आउट एस स्क्वायर. ए प्लस बी इट इज जीरो एंड ए इक्वल्स टू माइनस बी. तो इसको आपको रिमेंबर करना है. नेक्स्ट इज कंपेयर द पावर ऑफ एस. सो अब हम कंपेयर करेंगे देयरफॉर एस कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2a माइनस बी प्लस सी इट इज इक्वल्स टू 5. अब b की जगह पे आपको रखना है माइनस b की जगह पे a रखना है देयरफॉर 2a प्लस a प्लस सी इट इज 5, 3a प्लस सी इट इज 5. इस इक्वेशन को अगेन हम रिमेंबर करेंगे एंड लेट मी लेट अस गो फॉर थर्ड.
तो थर्ड यहाँ पे कांस्टेंट है एंड दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। सो सिंपली आपको लिखना है फाइ ए माइनस सी इक्वल्स टू थ्री। सो नाउ फाइ ए माइनस सी इक्वल्स टू थ्री एंड थ्री ए प्लस सी, इन दोनों को हम कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। आई विल सॉल्व इट यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, सिंपली कैंसल आउट तो आपको मिलेगा एट ए इक्वल्स टू एट एंड ए की वैल्यू आपको मिलती है वन। ए की वैल्यू वन एंड हियर बी इक्वल्स टू माइनस वन सिंपली एंड सी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आई विल पुट अप द वैल्यू ऑफ ए, देयरफॉर थ्री इंटू वन प्लस सी इक्वल्स टू माइनस फाइव, देयरफॉर सी इक्वल्स टू फाइव, सॉरी सी इक्वल्स टू अगेन फाइव माइनस थ्री इट इज सिंपली टू। ओके ए बी एंड सी आपको वैल्यू मिली है, सो देयर इज नो स्पेस, सो आई एम राइटिंग हियर ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू इट इज माइनस वन एंड सी इक्वल्स टू टू। सो इस पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा एंड आपको ए बी एंड सी की वैल्यू पुट अप करनी है। फॉर ए इट इज वन अपॉन एस माइनस वन, फॉर बी वी हैव टू पुट सिंपली इन दिस इक्वेशन, हियर इट इज माइनस वन, ओके हियर इट इज प्लस माइनस वन एस अपॉन प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। ओके इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मेथड बताई थी, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सो इस इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, सो स्प्लिट करेंगे सिंपली एंड यहाँ पे माइनस इस पार्ट को भी एज इट इज रखिए बिकॉज वी विल नीड, अब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, देयरफॉर हम फाइव को सिंपली स्प्लिट करते हैं वन प्लस फोर और इस इक्वेशन को हम दे सकते हैं एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर की कंडीशन को देख के ऊपर न्यूमरेटर में आपको चेंजेस करने हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो एस प्लस वन है, देयरफॉर यहां पे ऊपर एस प्लस वन होना चाहिए टू मेट द कंडीशन ऑफ द फॉर्मूला। सो एस प्लस वन यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे भी एस प्लस वन होना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, एस के साथ प्लस वन एंड माइनस वन मल्टीप्लाई करना है। सो एंड मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए रखा है बिकॉज देर आर सम चेंजेस यू विल सी हियर। अब माइनस वन एज इट इज एस हियर प्लस वन माइनस वन एंड प्लस टू। नाउ इन अपॉन सेम एज इट इज एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब यहां पे आप देख सकते हो प्लस वन एंड टू का हम एडिशन कर देंगे सिंपली। सो मैं सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लास्टली आई विल मर्ज बोथ द क्वेश्चंस। सो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सो वी विल गेट लाइक दिस माइनस एस माइनस वन प्लस थ्री अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ये टर्म मिली है, सिंपली इसको कॉमन निकाल दीजिए माइनस को, सो माइनस एस प्लस वन प्लस ओके थ्री को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, सो एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड थ्री अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ओके ये कुछ इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। सो लेट मी राइट हियर, आई एम राइटिंग हियर सॉरी। सो इस पार्ट को अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, सो वी विल गेट हियर वन अपॉन एस माइनस वन प्लस सॉरी इट इज माइनस, सो माइनस एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड द लास्ट पार्ट इट इज थ्री अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। सी वी आर गेटिंग लाइक दिस। ओके इन एक्सपांडेड फॉर्म में आपको बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपली लाप्लास अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करते हैं तो इट इज एल इनवर्स और यहाँ पे इंडिविजुअल सारे टर्म्स पे लाप्लास अप्लाई करना है। सो लेट अस अप्लाई एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस वन माइनस एल इनवर्स एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड प्लस थ्री इज हियर एंड
वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ओके सो तीनों पे हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इज वन अपॉन एस माइनस वन, सो यहाँ पे सिंपली ई रेस टू टी, सो ई रेस टू टी। नेक्स्ट इज एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, फर्स्ट इज हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम अप्लाई करना है। सो जैसे ही हम फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम अप्लाई करते हैं तो एस प्लस वन है, देयरफॉर यहाँ पे हमें ई रेस टू माइनस टी पुट अप करना है। एंड नेक्स्ट वन इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर कॉस 2t। इट इज क्वाइट सिंपल, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो यू विल बी फील इजी टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट वन इज 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सेम यहां पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हियर लाइक दिस e रेज टू माइनस t, एंड हियर इट इज द फॉर्मूला फॉर द sin थीटा, so sin 8t, sorry sin 2t, am I forgetting something? yes, यहाँ पे sin की formula में आपको 1 by a apply करना है, so यहाँ पे a की value 2 है, therefore I will do in the denominator I will simply multiply 2, so this is the final answer you are getting for this answer, for this question, and ये दूसरी method थी partial fraction के sums को solve करने के लिए। And this type of questions are asked in the universities. You can solve using both the methods of finding A, B, and C. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe. Bell icon.